अच्छा वो उसके पीछे। बाप तो बेटी पे बिल्कुल नहीं गया। बाप की शक्ल अपनी माँ पर गई है ना। और इसकी शक्ल माँ के बाप। इस घर में इतनी पॉपुलेशन आई कहाँ से? वो नमूना है कौन? आप उस आदि मानव को नहीं जानते? नहीं जानता। उसके लिए तो कहानी सुनानी पड़ेगी। चल सुना। एक बार एक राजा था। किसान था? नहीं, इस बार असली राजा था। एक बात पूछूं? हाँ। इस कहानी में वो आदमी है? 100% है। तो कंटिन्यू। एक राजा था। हाँ। उस राजा के 6 बेटे। 6 कैसे हो सकते हैं? 7 बेटे रहे होंगे ना। 7 बेटी थी, कार एक्सीडेंट में की मौत हो गई। कहते उस टाइम कारें होती थी। ये एक राजा की कहानी है। ये किसी राज्य का राजा नहीं था, ये दिल से राजा था। दिल का राजा? हर कोई तुम्हारी तरह छोटे दिल वाला नहीं होता। दिल होने से कोई राजा हो जाता है क्या? तू सुना, राजा के बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में क्यों? वो तो मर चुका था ना। मरने वाला 7वां बेटा था। हॉस्पिटल में 6ठे बेटे को एडमिट किया। 6ठा बेटा। कंटिन्यू। उस बेचारे को ब्लड की जरूरत थी तो राजा ने पूरा 1 लीटर ब्लड बोतल में डाल दिया। ऑरेंज जूस था जो बोतल में डाला, डायरेक्टली बेटे को क्यों नहीं चढ़ा दिया? राजा का ब्लड नहीं था, 5वें बेटे का ब्लड था। उसे सीधे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? 5वें बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो दूसरे हॉस्पिटल में था। अरे स्टूपिड, एक हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट से ब्लड लेके दूसरे पेशेंट को ब्लड चढ़ा देना, ये क्या लॉजिक हुआ? अरे उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया ना। ब्लड ग्रुप कैसे मैच हुआ? एक ही दिन एक ही जगह पर एक्सीडेंट हुआ, इसलिए ब्लड ग्रुप मैच हो गया। सही बोला ना। ठीक है, उसका खून निकल के इतने बड़े बोतल में भरा, उसके बाद क्या हुआ? बोतल को लेकर राजा रेलवे स्टेशन पर गया। हाँ। ट्रेन आगे बढ़ी। हाँ। वो पीछे पीछे भागा। ट्रेन हाँ। ने स्पीड पकड़ी। हाँ। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। ट्रेन और तेज भागी। वो और तेज भागा। चुप रहो। उसने ट्रेन पकड़ी या नहीं? किसी ने चेन खींच ली तो वो हाँ। ट्रेन पर चढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, ट्रेन स्टेशन पहुंची, उसने खून चढ़ाया और बेटा बच गया। चलो भाई। अरे इस पूरी कहानी में ये बूढ़ा कहाँ है? मैंने कहा था ना किसी ने चेन खींची थी, ये वही आदमी है। चेन खींचने की क्या जरूरत थी? हाँ? नहीं भी खींचते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी चेन की बात कर रहे हो? ये कहानी अब मैं और नहीं सुन सकता। मुझसे बात कर रहे हो या खुद से? तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। मुझसे? हाँ। तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? सामने वाली सीट पे बैठ। हाँ? मैं फेस टू फेस बात करता हूँ। मेरी फूटी किस्मत। चकना। हाँ?